गाइस आज जिस टॉपिक पे अपन सिडटॉक पे बात करेंगे वो थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक है। एज अ स्टार्टअप, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ ब्लॉगर या एज अ यूट्यूबर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आपका खुद का आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आप सोच रहे हैं कॉलेज के बाद हम डायरेक्टली स्टार्टअप ओपन करेंगे। तो जो अभी टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है हमारे इंडिया में वो मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा और देखते हैं यार कि अपन लोग मिलकर इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ वीडियो एक तरह से वीडियो बनकर रह जाएगा यूट्यूब पे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि जितने ब्लॉगर हैं जितने यूट्यूबर वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए और एक तरह से अवेयरनेस सबके साथ फैल जाए कि आने वाले दिनों में अगर वो चाह रहे हैं फुल टाइम करना एज अ यूट्यूब एज अ ब्लॉगिंग तो उनके लिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिडटॉक। सो गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि यार फुल टाइम अपन यूट्यूब पे आते हैं, फुल टाइम अपन ब्लॉगिंग करते हैं, फुल टाइम वेबसाइट चलाते हैं या फुल टाइम कोई ना कोई एक बिजनेस खड़ा करते हैं जिससे अपन को इनकम होगी, मतलब अपन को जॉब ना करना पड़ेगा, जो अभी चल रहा है यूथ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो उसमें अपन एज अ स्टार्टअप आएंगे और जो अपना इंडिया है उसको आगे ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ मेरे लेवल पे जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। पहली बात तो यह है जो आप गूगल एडसेंस से पैसा कमाते हैं, जो ब्लॉगिंग से आता है, वेबसाइट से आता है, इवन आपके यूट्यूब से भी आता है या एफिलिएट मार्केटिंग भी आप लेंगे तो एज अ वो सर्विस माना जाता है और उस पर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा एज अ रूल। अगर आप देखें जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स तो वहां पे ये लिखा हुआ है, अगर आप एमपी के बाहर कुछ भी सामान मंगाते हैं या कुछ भी सर्विस, आप कहीं से भी पैसा आपके पास आता है आपके स्टेट के बाहर से, इंटर स्टेट से, तो वहां पे आपको 18% का जीएसटी देना है। तो अगर आप गूगल एडसेंस की इनकम की बात करें तो वो इंडिया के बाहर से आती है तो ये बोला जा रहा है कि उस पर भी 18% का जीएसटी लगेगा। सो गाइस बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। मान लो एक साल में मैंने 20 लाख रुपए कमाए, वो हुए मेरे गूगल एडसेंस की कमाई, मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की कमाई, या फिर ऑनलाइन मैंने कुछ सर्विसेज बेची, मेरी वेबसाइट भी चलती है तो वहां से मैंने सर्विसेज सेल करके वहां से पैसा कमाया, तो 20 लाख रुपीस मैंने इकट्ठा कर लिया एक साल में। अब पहली बात तो इस पे मुझे देना पड़ेगा जीएसटी क्योंकि ये एज अ सर्विस माना जा रहा है, क्योंकि ये मेरे एमपी के बाहर से है तो मुझे इस पे जीएसटी देना है। इवन मेरा 20 लाख का टर्नओवर भी पार हो गया है तो 18% जीएसटी जो है वो कंपलसरी हो गया है। सो अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं 18% जीएसटी कितना लगेगा 20 लाख पे, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहां पे आता है 3,60,000 रुपये जो है वो मुझे जीएसटी भरना है। अगर मैं अब इसको वापस माइनस करूं 20 लाख रुपीस से तो मेरे पास बचता है 16,40,000 रुपये, जो मैं बोल सकता हूँ हाँ अब ये मैंने पैसा जो है वो कमाया है जीएसटी भरने के बाद। लेकिन यार अभी रुको रुको, अगर मैं इस 16,40,000 रुपये को वापस से मैं देखूँ तो ये मेरी इनकम हो गई, अब मुझे इनकम टैक्स भी भरना है। और अगर मैं स्लेव्स देखूँ इनकम टैक्स के तो 10 लाख के ऊपर अगर मेरी कमाई होती है तो जो मैंने 16,40,000 रुपये कमाए ऑनलाइन घर बैठे या फिर मैंने स्टार्टअप से या फिर मेरे जो भी मेरे कैरियर है ऑनलाइन उससे, तो अब मुझे इसके ऊपर इनकम टैक्स अलग भरना है। तो अब मैं अगर इसको 30% वापस से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गए 4,92,000 रुपीज़ जो मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा अगर मैं सही तरीके से भरता हूँ अभी हाल फिलहाल जो टैक्सेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है उस पर। तो अब मैं सबको माइनस करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। सो 4,92,000 इनकम टैक्स भरने के बाद, जीएसटी भी काटने के बाद, मेरे पास जो इनकम मेरे हाथ में बची वो हुई 11,48,000 रुपीज़, मतलब 11,48,000 जो है वो मेरी बिल्कुल अच्छी इनकम हो गई जो कि मैं अब कहीं भी जाके एक साल तक खर्च कर सकता हूँ और कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि आपने कोई टैक्स नहीं भरा, कोई आपने टैक्स की चोरी नहीं करी। सो गाइस घुमा फिरा के सारे टैक्स काट के 11,48,000 रुपीज़ मेरी बिल्कुल परफेक्ट इनकम हो गई जो मैं एक साल तक उसको खर्च कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार एक कार ले लेते हैं, कार लेने जाऊँगा तो उस पर 28% का जीएसटी वापस से भरना है। उसके बाद अब मैं सोचता हूँ चलो होटल में खाना खा लेते हैं तो वहां जाता हूं, वहां पे उनका अलग सर्विस चार्ज और वो सब देना है। फिर मैं सोचता हूं चलो पिज्जा घर ही बुला लेते हैं, कौन जाए, वहां पे भी डोमिनोज के पिज्जा पे आपको 18% का टैक्स देना है। चलो ठीक है, अब मैंने कार खरीदी, कार पे टैक्स तो दे दिया, अब मैं उस कार को रोड पे लेके जा रहा हूं, कहीं मैं जा रहा हूं तो वहां पे टोल टैक्स अलग देना है क्योंकि वो जो रोड है उसका पैसा भी मुझी से ले रहे हैं टोल टैक्स के नाम पे। तो गाइस जो 11,48,000 रुपीस मेरे पास बचे जो मैं सोच रहा हूं साल भर खर्च करूंगा उसमें भी तो मैं टैक्स ही देते जा रहा हूं। चलो अब मेरी जो कार है जो मैंने खरीदी, अब उसमें मुझे पेट्रोल भी फिलअप करना है और हाँ जो पेट्रोल है इसकी प्राइसेस जो है वो बहुत अप डाउन होती रहती है और अभी अभी जो हाल फिलहाल न्यूज चल रही है वो ये है कि दिल्ली में 70 रुपीज का पेट्रोल हो गया है और मुंबई में 80 रुपीज का पेट्रोल हो गया है। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने एक लिंक दिया है एनडीटीवी का, उनने इस वीडियो में सबको समझाया कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 26 रुपीज है और हमारे पास आते आते टैक्स लगते लगते वो 80 रुपीज का हो जाता है और कोई भी इस बारे में ध्यान नहीं दे रहा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, अब आप बोलोगे यार कि आप तो सरकार के अगेंस्ट हो गए, आप इसके अगेंस्ट हो, उसके अगेंस्ट हो, तो बॉस मैं किसी भी पार्टी के ना अगेंस्ट हूं ना फेवर हूं, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूं। मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा, किसी एक ऑपरेटर को बिठाया कि भाई इस एक्सेल शीट में जो है वो रिकॉर्ड्स भर दे, अब अगर वो आदमी चला जाता है 5 साल बाद दूसरा आदमी आता है तो भी सिस्टम वही है, एक्सेल शीट भी वही है, सारे फॉर्मूले भी वही हैं, तो जो भी सामने वाला बंदा आएगा वो भी उसी चीज को फॉलो करेगा। सो गाइस जो हमारा सिस्टम है वो अभी सही नहीं है अगर हम ऑनलाइन की बात करें। अब सब तो बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये है वो है, आप आपकी कंपनी ओपन करो, यूथ को जॉब्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर आप करने भी आते हो ना तो बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं मेरी बात करूं
तो लास्ट ईयर 2016 में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में मैं पास आउट हुआ हूँ। मैंने सोचा था कि यार जॉब करेंगे, लेकिन मैंने जॉब नहीं करी, एक भी मैंने आज तक कोई जॉब अटेंड नहीं करी। उसके बाद डायरेक्टली मैंने मेरा स्टार्टअप ऑन किया, यूट्यूब ऑन किया, मेरी और भी चीज़ें चलती हैं, वेबसाइट्स चलती हैं, सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने सोचा था यार कि अच्छी लाइफ जिएंगे, जॉब क्यों करें, अपन जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को जॉब देंगे। तो जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मुझे लगा यार कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं 9 लाख का टैक्स दे रहा हूँ, चलो टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 लाख अगर मेरी इनकम हो रही है तो उसमें मैं 11 लाख का टैक्स भरने को तैयार हूँ। जब ये टैक्स लेने की बात आती है तो वो जीएसटी पोर्टल, उसके बाद इनकम टैक्स का पोर्टल, एक एक पैसे का हिसाब हमको देना पड़ता है। लेकिन एक बार आपने जब टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद ना गवर्नमेंट आपको हिसाब देती है ना आप लोग मांगते हैं। सिंपल बात तो यह है कि जो हमारा पैसा गया वो कहां गया? जब रोड बनती है आपके घर के सामने, तो 1 करोड़ की रोड उससे अच्छी बन सकती है जितनी उनने 25 करोड़ में आपके घर के सामने बनाई है। तो यही सब पैसा जो है हमारा घूम फिर के वहां जाता है। इवन रोड की बात करें तो रोड जिस रोड पर चलते हो वहां पर तो टोल टैक्स अलग ही देते हो, तो रोड का पैसा तो आप अलग दे ही रहे हो। उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हैं आपको भी पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे हैं आपको भी पता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो पैसा जा रहा है तो मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि अगर मैं 11 लाख रुपए या 9 लाख रुपए साल का दे रहा हूं एज अ टैक्स, तो एज अ टैक्स पेयर मेरी ये तो जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने पैसा दिया वो कहां कहां यूज हुआ वो मुझे एक बार बस पता चल जाए। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक वेबसाइट बने जहां पे हमारा जो पैसा जा रहा है वहां पे हमें दिखे कि टोटल इतना पैसा गवर्नमेंट के पास अभी है और वो पैसा कहां कहां गवर्नमेंट यूज कर रही है उसको बाकायदा वेबसाइट पर ट्रांसपेरेंसी के तरीके से बताए, ताकि हमें यह पता चल जाए, ताकि मैं इतना तो श्योर हो जाऊं जो मैंने 9 लाख रुपए दिए वो किसी मंत्री के घर में तो नहीं पड़े, जो मैंने 9 लाख रुपए दिए वो किसी ठेकेदार ने खा तो नहीं लिए, करप्ट तो नहीं हो गए। तो बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पैसे का सही उपयोग हो, जो मुझे अभी लग नहीं रहा है कि अगर मैं इतना पैसा दूंगा तो वो सही उपयोग होगा। और प्लीज़ 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 ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि जितने ब्लॉगर हैं, जितने स्टार्टअप हैं, उनको आज की सिचुएशन तो पता चल जाए, ताकि अगर आने वाले दिनों में आप मेरी सिचुएशन तक आते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। अब मैं टैक्स तो बिल्कुल भरूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब देखते हैं आने वाले दिनों में एक साथ होकर देखते हैं कि क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा, आप अगर मेरे किसी भी पॉइंट ऑफ से सहमत नहीं है तो प्लीज आप इस वीडियो को डिसलाइक करिए, ताकि मुझे यह पता चल जाए कि आने वाले दिनों में अगर मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं जो जनरल अवेयरनेस के ऊपर है, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं, एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर आप भी एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले दिनों में, तो वो मुझे समझ आ जाएगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं ऐसी चीजें कभी नहीं करूंगा सिड टॉक पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।